जब मसीह यीशु ये कह रहे थे, उसी क्षण यहूदा, जो 12 शिष्यों में से एक था, आ पहुंचा। उसके साथ तलवार और लाठियां लिए हुए एक भीड़ भी थी। ये सब प्रधान पुरोहितों, शास्त्रियों तथा पुरनियों द्वारा भेजे गए थे। पकड़वाने वाले ने उन्हें ये संकेत दिया था, मैं जिसे चूमूं वही होगा वह, उसे पकड़कर सिपाहियों की सुरक्षा में ले जाना। वहां पहुंचते ही यहूदा सीधे मसीह यीशु के पास गया और उनसे कहा, रब्बी, और उन्हें चूम लिया। इस पर उन्होंने मसीह यीशु को पकड़कर बांध लिया। उनमें से जो मसीह के साथ थे, एक ने तलवार खींची और महायाजक के दास पर प्रहार कर दिया, जिससे उसका एक कान कट गया। मसीह यीशु ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, मुझे पकड़ने के लिए तुम तलवार और लाठियां लेकर आए हो, मानो मैं कोई डाकू हूं। मंदिर में शिक्षा देते हुए मैं प्रतिदिन तुम्हारे साथ ही होता था, तब तो तुमने मुझे नहीं पकड़ा, किंतु अब जो कुछ घटित हो रहा है वो इसलिए कि पवित्र शास्त्र का लेख पूरा हो। सभी शिष्य मसीह यीशु को छोड़ भाग चुके थे। एक युवक था जो मसीह यीशु के पीछे पीछे आ रहा था। उसने अपने शरीर पर मात्र एक चादर लपेटी हुई थी। जब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, वो अपनी उस चादर को छोड़ नंगा ही भाग निकला। वे मसीह यीशु को महायाजक के सामने ले गए। वहां सभी प्रधान याजक, वरिष्ठ नागरिक तथा शास्त्री इकट्ठा थे। पतरस दूर ही दूर उनके पीछे पीछे आ रहे थे और वो महायाजक के आंगन में भी आ गए। वो अधिकारियों के साथ बैठ गए और उनके साथ आग तापने लगे। मसीह यीशु को मृत्यु दंड देने की इच्छा लिए हुए प्रधान याजक तथा पूरी महासभा मसीह यीशु के विरुद्ध गवाह खोजने का यत्न कर रही थी, किंतु इसमें वे विफल ही रहे। निसंदेह उनके विरुद्ध अनेक झूठे गवाह खड़े हुए थे, किंतु उनके गवाह में मेल न था। तब कुछ ने मसीह यीशु के विरुद्ध ये झूठी गवाही दी, हमने इसे कहते सुना है, मैं मनुष्य के द्वारा बनाए गए इस मंदिर को ढहा दूंगा और 3 दिन में एक दूसरा बना दूंगा जो हाथ से बना न होगा। इस आरोप में भी उनके गवाह में समानता न थी। तब महायाजक खड़े हुए तथा मसीह यीशु के पास आकर उनसे पूछा, क्या तुम्हें अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है? ये सब तुम्हारे विरुद्ध क्या क्या गवाही दे रहे हैं? किंतु मसीह यीशु ने कोई उत्तर न दिया, वो मौन ही बने रहे। तब महायाजक ने उन पर व्यंग करते हुए कहा, क्या तुम ही मसीह हो, परम प्रधान के पुत्र? मसीह यीशु ने उत्तर दिया, जी हाँ, मैं हूँ। आप मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाएं पक्ष में आसीन तथा आकाश के बादलों पर लौटता हुआ देखेंगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ते हुए कहा, अब क्या जरूरत रह गई किसी अन्य गवाह की? तुम सभी ने परमेश्वर निंदा सुन ली है, क्या विचार है तुम्हारा? सब ने एक मत से उन्हें मृत्यु दंड का भागी घोषित किया। कुछ ने उन पर थूकना प्रारंभ कर दिया, उनकी आंखों पर पट्टी बांध कुछ उन्हें घूसे मारते हुए कहने लगे, कर भविष्यवाणी, और प्रहरियों ने उनके मुख पर थप्पड़ भी मारे।